सागर जिले में दूषित पानी से करीब 250 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी को बीएमसी और आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। सागर के मैहर ग्राम में दूषित पानी पीने से करीब 250 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव भेजी गयी है। वही पीएचई विभाग की टीम ने पानी के सैंपल लिए हैं, जो जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया ने कलेक्टर से चर्चा की और इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक आर्य मेहर ग्राम में पहुंचे और बीएमसी में मरीजों का हालचाल जाना। संभावित तौर पर ये लग रहा है पहले कि एक बोरिंग है, जिससे कि ये लोग बहुत पहले से पानी पीते हुए आ रहे हैं। उसी बोरिंग में पानी शायद कुछ इन्फेक्शन, उस बोरिंग में कुछ संक्रमण, कुछ कारण जिसमें हुआ है, जो भी कारण हुआ जिसके कारण की जांच की जा रही है। अभी उनके सैंपल लिए गए हैं, उस कारण से लोग बीमार हुए हैं। और अभी मैं गांव भी घूम देख करके आ रहा हूँ। गांव में भी मैंने देखा कि वो जो बोरिंग है उसी के आसपास वाले लोग जो हैं वो सारे के सारे बीमार हैं। तो अभी जाकर तत्काल गाँव में वो बोरिंग बंद करवा दी गई है और पानी के दूसरे स्रोत जो हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।